गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्टीम इकोनॉमी। स्टीम इकोनॉमी क्या होती है कि स्टीम इकोनॉमी जो है कि हमने एक केजी स्टीम या पर केजी स्टीम से कितना वाटर एवेपरेट कराया सभी इफेक्टों में। तो सिंगल इफेक्ट एवेपरेटर में स्टीम इकोनॉमी जो है वो 0.8 होती है, डबल इफेक्ट एवेपरेटर में ये 1.7 से 2 होती है और ट्रिपल इफेक्ट एवेपरेटर में 2.5 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम 1.2 केजी स्टीम के द्वारा हम 1 केजी वाटर को एवेपरेट करा पाते हैं, लेकिन ट्रिपल इफेक्ट में ये 1 केजी स्टीम से हम 2.5 केजी वाटर को एवेपरेट करा लेते हैं। यानी कि किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एवेपरेट पर किलोग्राम ऑफ स्टीम यूज, इसको हम बोलते हैं स्टीम इकोनॉमी। ये पर केजी स्टीम से कितना वाटर एवेपरेट हुआ। इवेपरेटर कैपेसिटी क्या हुआ, नंबर ऑफ किलोग्राम ऑफ वाटर वेपराइज पर आवर, यानी कि पर आवर में कितना वाटर इवेपरेट हुआ। स्टीम कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी टू द इकोनॉमी, सो यूनिट इज द स्टीम यूज्ड अपॉन आवर। अब हमें स्टीम इकोनॉमी को बढ़ाने के तरीके में पहला आपका रहेगा मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर। मल्टीपल इफेक्ट इवेपरेटर में इसमें हम एवेपरेटरों को एक सीरीज में लगा लेते हैं जिससे कि स्टीम कंजम्पशन जो है वो कम से कम हो और एनर्जी एफिशिएंसी होल यूनिट की बढ़ जाए, तो इसको मल्टीपल इफेक्ट एवेपरेटर कहते हैं। स्टीम इकोनॉमी को बढ़ाने के तरीके में पहला आपका है मल्टीपल इफेक्ट एवेपरेटर, रिकम्प्रेशन ऑफ वेपर एंड एवेपरेशन एट लो टेम्परेचर यूजिंग ए हीटिंग पंप साइकिल। तो इसको एवेपरेटर में फीड करने के 3 तरीके, मेथड ऑफ फीडिंग इन एवेपरेटर, फॉरवर्ड फीड, बैकवर्ड फीड और मिक्स्ड और इंटरमीडिएट फीड। तो पहला आपका है फॉरवर्ड फीड, इसमें सभी इवेपरेटरों को हम एक सीरीज में लगा लेते हैं और फीड और स्टीम को करंट इंटर कराते हैं, यानी कि फीड को भी हम इंटर कराया और स्टीम को भी सेम इफेक्ट में ही इंटर कराते हैं। इवेपरेटर 1 से या इफेक्ट 1 से निकलने वाले वेपर को इफेक्ट नंबर 2 में सेंड करते हैं और इवेपरेटर 1 से निकलने वाले लिक्विड को इफेक्ट नंबर 2 में सेंड करते हैं, जिसके बाद इनका कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट होने बाद इवेपरेटर 2 से निकलने वाले वेपर को तथा लिक्विड को इफेक्ट नंबर 3 में भेजते हैं, जिससे कि टॉप से वेपर आपकी कंडेंसर में चली जाएंगी और थिक लेकर हमें बॉटम से मिल जाएगा इफेक्ट नंबर 3 से। बैकवर्ड फीड में स्टीम इवेपरेटर हमने एक सीरीज में लगा ली है, इसमें स्टीम जो है 1, 2, 3 फॉलो करेगा, लेकिन जो फीड होगा वो हम अपोजिट डायरेक्शन से फीड करेंगे। यहाँ पे स्टीम और फीड का जो पैटर्न होगा वो काउंटर करेंट होगा। अब यहाँ पे हम मान चल रहे हैं स्टीम यहाँ से पहले से है, फिर इनका कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट होने के बाद जो वेपर यूज जो लिक्विड निकलेगा उसको हम पंप के थ्रू इसमें सेंड करते हैं इफेक्ट नंबर 2 में, फिर इनका आपस में कॉन्टैक्ट होता है। कॉन्टैक्ट होने के बाद इफेक्ट नंबर 2 से निकलने वाले लिक्विड को इफेक्ट नंबर 1 में सेंड करते हैं, इसके बाद ये थिक लिकर हो जाता है, इसको हम पंप के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं और जो वेपर आपकी होती है वो इफेक्ट 1 से इफेक्ट 2 फिर इफेक्ट नंबर 3 से फिर कंडेंसर में ये जाती है। इसमें पंप की आवश्यकता पड़ेगी, इसका रिजल्ट थोड़ा सा फॉरवर्ड फीड से अच्छा रहता है। मिक्स फीड क्या हुआ, कॉस्ट को कम करने के लिए मिक्स फीड का यूज कर लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, तीनों एवेपरेटर एक सीरीज में लगे हुए हैं, स्टीम आपका 1, 2, 3 रहेगा, लेकिन फीड जो होगा वो सेकंड से फर्स्ट में और फर्स्ट से फिर थर्ड में जाएगा। इसमें पंप का कुछ अमाउंट जो है हम कम कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, इफेक्ट 2 से निकलने वाले इफेक्ट 2 से जब आपस में इनका कॉन्टैक्ट होगा तो इस लिक्विड को इफेक्ट नंबर 1 में सेंड करेंगे और इवेपरेटर 1 से निकलने वाली लिक्विड को इफेक्ट नंबर 3 में सेंड करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो इफेक्ट नंबर 3 से निकल रहा है और आपका जो सेकेंड फीड था बैकवर्ड फीड, उसमें जो प्रोडक्ट निकल रहा था वो फर्स्ट इफेक्ट से निकल रहा था। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन दी फॉरवर्ड फीड और बैकवर्ड फीड, दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉरवर्ड फीड में कोई भी पंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बैकवर्ड फीड में पंप की आवश्यकता पड़ती है। इनकी फिक्स्ड कॉस्ट लो होगी, इनकी फिक्स्ड कॉस्ट और ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई होती है। फीड और स्टीम इसमें कोकरेंट पैटर्न में रहेंगे और इसमें काउंटर करेंट पैटर्न में ये रहते हैं। इनकी स्टीम इकोनॉमी लो है और इनकी स्टीम इकोनॉमी हाई है। मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी लो होती है क्योंकि इसमें कोई पंप नहीं है और इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट हाई होती है। प्रोडक्ट जो इनका बनेगा वो थर्ड इफेक्ट में निकलता है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो फर्स्ट इफेक्ट से निकलता है।
इसके बाद आपका है वेपर रिकम्प्रेशन, जब वेपर का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो उसको बढ़ाने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसको वेपर रिकम्प्रेशन बोलते हैं। तो उसके दो मेथड हैं, थर्मल रिकम्प्रेशन और मैकेनिकल रिकम्प्रेशन। थर्मल मैकेनिकल रिकम्प्रेशन में माना कि कोई हमारा इवेपरेटर है, इवेपरेटर से निकलने वाली वेपर को हम कंप्रेसर में सेंड करते हैं। तो पहले इवेपरेटर क्या हुआ, इवेपरेटर किसी भी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में चेंज करता है, यानी कि जो सॉल्वेंट होगा वो उसमें वेपराइज होता है। कंप्रेसर जो है एटमोस्फेरिक प्रेशर से डिजायर्ड प्रेशर पे डिलीवर करेगा। तो मेकअप स्टीम को हम हीटर में सेंड करते हैं, तो हीटर इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने से फिर उसका स्टीम को हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिससे कि टेम्परेचर वेपर का बढ़ जाता है। तो ये मैकेनिकल रिकम्प्रेशन का। नेक्स्ट आपका है थर्मल रिकम्प्रेशन, इवेपरेटर से निकलने वाली वेपर को हम स्टीम जेट इजेक्टर में सेंड करते हैं। स्टीम जेट इजेक्टर क्या करता है, कंडेंस गैसेस को रिमूव कर देता है, और कंडेंस गैसेस को रिमूव कर देता है, इसके बाद जो भी कंडेंस गैसेस हैं और वाटर वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएंगे। फिर उसको हम हीटर जो है इसके टेम्परेचर को राइज कर देता है, और राइज करने के बाद जो भी स्टीम होगी वो फिर दोबारा से काम में आ जाती है। तो ये हमारा मेथड था थर्मल रिकम्प्रेशन, इसमें स्टीम जेट इजेक्टर का यूज करते हैं, और मैकेनिकल रिकम्प्रेशन में कंप्रेसर का यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी ज़्यादा आता है, इसको अच्छे से तैयार करें और आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।